नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपना एक्सरसाइज चल रहा है बहुपद, और जो कि आपका 2.1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.2, और जिसका पहला क्वेश्चन है, आपको बहुपद दिया गया है 5x-4x² + 3। अगर मैं बात करूं कि ये कौन सा बहुपद है, तो बताइएगा यहाँ चर राशि कौन सी है, एक्स है ना, और x की उच्चतम घात कितनी है, 2 है, तो ये कौन सा बहुपद है भाई, द्विघाती बहुपद। अगर पदों के आधार पे बोलूं तो कौन सा है, त्रिपदे बहुपद। तो ये आपको बहुपद दिया गया है जिसमें चर राशि आपकी x है, और बेटा इन सब का क्या, इनका क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है। जबकि चर राशि में सबसे पहले x का मान कितना दिया गया है, 0, फिर x का मान कितना दिया गया है, -1, और फिर x का मान कितना दिया गया है, 2। अब देखिए बहुपद को p ऑफ x से डिनोट करते हैं। p ऑफ x बराबर कितना है, 5x-4x² + 3। ये आपको बहुपद दिया गया है जहां इसका मान निकालना है, और मान कब निकालना है बेटा, सबसे पहले x का मान कितना दिया गया है, 0। तो सबसे पहले बहुपद में x का मान 0 पर रखने पर, क्या करने पर, 0, सबसे पहले x का मान हम 0 रखेंगे ना, तभी तो इसका मान आएगा बहुपद का। तो x का मान, ये पहला है क्वेश्चन आपका, तो जहां भी x है वहां क्या रख देंगे, 0। तो p ऑफ 0 बराबर है 5×0-4×0² + 3। अब बेटा आप जानते हो 0 को किसी से गुणा करो क्या आएगा, 0, और माइनस का भी 0 से किसी को गुणा करोगे क्या आएगा, 0, और प्लस का कितना है, 3। तो बहुपद का मान कितना हो गया, 3। अगर हमने यहाँ चर राशि x का मान 0 रखा तो बहुपद का मान कितना आ गया, 3 आ गया। इसी प्रकार बेटा x का मान दूसरा क्या है, x का मान कितना रखने पर, -1 रखने पर। अब देखो -1 प्रतिस्थापित करूंगा मैं, तो p ऑफ क्या आ जाएगा, -1 बराबर आपका है 5×, जहां भी x है वहां -1 रख दीजिए, -4×-1² + 3। जहां भी x है वहां मैंने -1 रखा। अब आप देखिएगा +×- क्या होता है, माइनस, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 5। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर हम प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस को माइनस से करेंगे तो भी प्लस आएगा, और अगर प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस को प्लस से करेंगे तो भी माइनस आएगा। मतलब कि अगर सेम हो तो प्लस, विपरीत हो तो माइनस। तो ये प्लस का, ये माइनस का, गुणा किया तो किसका हो गया, माइनस का, -4×। अब घात देखिएगा, सम है कि विषम, सम है, सम का मतलब माइनस कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, और 2 बार आ गया तो बेटा क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहां कितना आ गया, 1² कितना होता है, 1, और प्लस में कितना है, 3, तो -4, 5 -4 + 3, -9 + 3 = -6। अगर x का मान हमने -1 रखा तो बहुपद का मान कितना आया बेटा, -6। अगर मैं तीसरे की बात करता हूं, अब यहां x का मान यहां रखना है 2, आपका ये 2.2 का पहला क्वेश्चन है, तो p ऑफ x की जगह क्या रखना है, x की जगह क्या रखना है, 2। तो बेटा आप लिखोगे जहां भी x है वहां 2 रख दीजिए, प्लस में 3, 5×10 -4, 2×2 कितना हो गया, 4, प्लस में 3, 2×4 × 4 -5×2 कितना आ गया, 10, और प्लस का कितना है, 3, 10 - 16 + 3। अब यहां प्लस का कितना आ गया बेटा, 13,
और माइनस का कितना है 16। उत्तर कितना आ गया? माइनस का 3। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा आपका ये पहला क्वेश्चन था। एक बार फिर से मैं थोड़ा रिपीट करवा देता हूँ कि P ऑफ x बराबर है आपका 5x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, और जहाँ x का मान एक बार आपने 0 रख लिया तो P ऑफ कितना आ गया 0, जहाँ भी x है वहाँ 0 रखा तो आपका यहाँ उत्तर कितना आया 3, फिर आपने x की जगह क्या रखा माइनस 1, तो बेटा यहाँ उत्तर कितना आ गया माइनस 6, क्योंकि 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 होता है, 1 की स्क्वायर 1 होता है, 4 इंटू 1 4 हो गया, प्लस का कितना है 3 है। अब देखिए 5 और 4 कितना हो गया माइनस का 9, और प्लस का 6 कितना आ गया माइनस का 6, और इसी प्रकार यहाँ 2 रखा तो 5 टू जा 10 माइनस 2 टू जा 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया बेटा 16 आ गया, और यहाँ माइनस का और प्लस का कितना है 3, इसको सोल्व किया तो कितना आ गया बेटा माइनस का 3। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसा ही आपका दूसरा प्रश्न है, इसको मिटो दूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर भी बेटा किसी को कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, अगले दिन आते ही मैं फिर से रिपीट करवा दूंगा। और आप पिछली क्लास को अच्छे से देखना भाई, समझ में आएगा, इजी सी एक्सरसाइज है आपकी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपका ये है निम्न बहुपद में प्रत्येक बहुपद के लिए P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब पहले तो जो भी आपको चर राशि दी गई है वहां 0 पुट करना है, फिर 1 करना है, फिर क्या करना है 2। तो देखिए बहुपद आपका है P ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। बहुपद में सर्वप्रथम क्या रखने पर, यहां चर राशि y है ना, तो y का मान कितना रखने पर बेटा 0, सबसे पहले क्या रखेंगे 0, तो जहां भी y है वहां 0 रख देंगे, तो y की स्क्वायर का मतलब 0 की स्क्वायर इनटू में 0 प्लस में 1, तो 0 माइनस 0 प्लस में 1, उत्तर कितना आ गया बेटा 1। अब 0 के बाद क्या रखना है 1 रखना है, तो y का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे, बेटा जहां भी y है वहां 1 रख देंगे, 1 की स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 की स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, अब 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 माइनस 1, उत्तर कितना आ गया आपका बेटा 1। अब क्या रखेंगे तीसरा 2, जहां भी y है वहां मान रख देंगे बेटा 2, तो देखिए P ऑफ y की जगह क्या रखेंगे 2 बराबर y की स्केयर का मतलब 2 की स्केयर माइनस का 2 प्लस का 1, 2 दूनी 4 माइनस का 2 प्लस का 1, अब प्लस के देखो कितने हो गए 5, और माइनस का कितना हो गया 2, उत्तर कितना आ गया बेटा 3। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ मैंने क्या किया बेटा कि आपको है ना चर राशि का मान, एक तो जो भी चर राशि दी गई है पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है, और आपको इन सब के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ मैंने पहले 0 रखा, फिर कितना रखा 1 रखा, फिर कितना रखा 2 रखा। मैंने 0 रखा तो आपका जहाँ भी y है वहाँ 0 रख दिया, तो आपका मान 1 आया, 1 रखा फिर भी 1 आया, क्योंकि 1 का स्केयर 1 होता है, माइनस का 1 प्लस का 1, फिर बेटा मैंने 2 मान रखा तो 2 की स्केयर माइनस 2 प्लस 1, 2 की स्केयर कितनी होती है 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 कितना हो गया बेटा 5, 5 में से 2 गया कितना बच गया 3। अब दूसरे बहुपद के लिए देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, देखो P ऑफ T, अब इससे क्या समझ में आया बेटा आपको, यहां चर राशि एक्स वाई नहीं दी गई है, क्या दी गई है T दी गई है, और P ऑफ T किसके बराबर है 2 प्लस T प्लस में 2 T स्क्वायर प्लस माइनस का T की पावर 3, ये दिया गया है आपको। अब यहां मान क्या क्या रखना है, P ऑफ T है ना, T का मान पहले तो 0 दिया गया, फिर कितना है भाई 1 है, और फिर कितना है 2, तो सबसे पहले T का मान, देखो चर राशि है उसी का मान रखना है, यहां चर Y थी ना तो Y का मान रखा सभी में, अब है ना T है तो T का मान सबसे पहले क्या रखेंगे 0, तो बेटा आपका आ गया P ऑफ 0 इज इक्वल टू, जहां भी T है वहां 0 रख दो,
जीरो प्लस टू इंटू, जीरो की स्केयर है तो स्केयर रख दो, जीरो की पावर तीन है तो तीन रख दो, टू प्लस जीरो जीरो जीरो, तो उत्तर कितना आ गया बेटा? क्योंकि किसी जीरो की कितनी पावर हो, किसी से गुणा करो, किसी से भाग दो, आपका उत्तर तो कितना आना है, जीरो आना है। तो सीधा सही उत्तर कितना आ गया, दो आ गया। अब देखो दूसरा मान क्या, यहाँ वाई बराबर एक रखा था, यहाँ टी बराबर भी एक रख देंगे, अब टी का मान एक रखेंगे तो आपका आ गया पी ऑफ वन इज इक्वल टू टू प्लस वन प्लस टू इंटू, टी की स्केयर है ना बेटा तो एक की स्केयर, टी की पावर तीन है तो एक की पावर तीन। अब यहां आ गया आपका टू प्लस वन प्लस वन की स्केयर कितना होता है वन, और वन को दो से गुणा किया कितना आ गया दो, माइनस एक की पावर कितनी हो, मान कितना होता है एक, दो और दो चार और एक पांच, माइनस का एक बराबर उत्तर कितना आ गया बेटा चार। आसान से है, आपको बहुपद का मान ज्ञात करना है, जहां चर राशियों का मान पुट करना है, पहले जीरो फिर एक और फिर क्या रखना है दो। अब देखो दो रख रहा हूं मैं, टी का मान कितना रख रहा हूं बेटा दो, अब देखो पी ऑफ दो बराबर दो प्लस, टी की जगह दो रख दिया, दो इंटू टी की स्केयर का मतलब कितना के स्केयर दो का स्केयर, टी की पावर दो का मतलब दो की पावर तीन, अब कितना आ गया दो प्लस दो, और प्लस में दो आपका है ही, बीच में साइन गुणा का है, दो दूनी चार, और माइनस दो की पावर तीन कितना होता है आठ, दो दूनी चार, चार दूनी आठ। अब बेटा देखिएगा दो और दो कितना हो गया चार, प्लस चार दूनी कितना हो गया आठ, और माइनस का कितना हो गया आठ, चार और आठ कितना हो गया बारह, माइनस का आठ, उत्तर कितना आ गया बेटा आपका, उत्तर कितना आ गया बेटा चार। अच्छे से समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ, बिल्कुल इजी से है बेटा। बहुपद दिया गया है, बहुपद का मान रखना है, पहले आप जीरो रखो फिर वन रखो और फिर क्या रखो टू। इसके बाद तीसरा देखो, एक्स का मान चर राशि कितनी है, क्या है एक्स है, एक्स का मान जीरो रखा तो जीरो आ गया, एक रखा तो एक आ गया, और दो रखा तो आठ आ गया, क्योंकि दो की घात तीन कितनी होती है आठ होती है, समझ में आ गया होगा। अब बेटा देखिएगा एक लास्ट वाला प्रश्न थोड़ा सा और करवा देता हूं मैं, दूसरे का लास्ट प्रश्न देखिए, P ऑफ x बराबर कितना दिया गया है x माइनस वन और x प्लस वन, यहां सर्वसमिका लगेगी बेटा a माइनस बी ए प्लस बी, आपने एट्थ क्लास में पढ़ा होगा ही अच्छे से, ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है ना, तो यहां क्या आ जाएगा बेटा x की स्केयर माइनस एक की स्केयर तो एक ही होती है, यहां मैंने आपकी एट्थ क्लास वाली सर्वसमिका लगाई है, कौन सी a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है ए स्केयर माइनस ए बी स्केयर, जहां a आपका बेटा x है और b कितना है एक, और एक की स्केयर तो एक ही होती है ना, और अब x का मान कितना पुट करना है पहले जीरो, जीरो रखेंगे तो p ऑफ जीरो बराबर क्या आ गया जीरो की स्केयर माइनस वन मतलब माइनस का वन, फिर x बराबर क्या रखना है एक, तो p ऑफ एक बराबर क्या आ गया बेटा एक की स्केयर माइनस वन, एक की स्केयर एक है एक माइनस एक कितना आ गया जीरो, फिर x का मान कितना रखना है दो, तो p ऑफ दो बराबर क्या आ गया दो की स्केयर माइनस वन, चार माइनस वन बराबर कितना आ गया बेटा तीन। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, पहले मैंने जीरो मान रखा तो जीरो की स्केयर कितनी होती है जीरो, माइनस का वन उत्तर आ गया, फिर एक रखा एक की स्केयर कितनी होती है एक, एक में से एक गया कितना बच गया जीरो, फिर मैंने मान क्या रखा बेटा दो, तो दो की स्केयर चार, चार माइनस एक बराबर कितना आ गया तीन। आपके ये दो क्वेश्चन हो चुके हैं, कल इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे, आप अच्छे से करना बेटा, अगर समझ में नहीं आए ना तो वीडियो को एक दो बार फिर से रिपीट करके देख लेना, मैंने बिल्कुल इजी से आराम से करवाया है, और फिर भी कोई दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, मैं पर्सनली आपको करवा दूंगा दोबारा से, ठीक है बेटा, थैंक यू, और कल करेंगे।